हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ सैम सेवन प्रैक्टिस स्कूल फार्मेसी। सैम सेवन बैचलर ऑफ फार्मेसी में जो प्रैक्टिस स्कूल आती है, फार्मेसी प्रैक्टिस स्कूल करके एक सब्जेक्ट आता है, उसमें पावर प्रेजेंटेशन कैसे बनाएं, प्रैक्टिस स्कूल ट्रेनिंग करके आपको इधर एक हेडिंग डालना है, जो आपने ट्रेनिंग ली है उसके बारे में आपको प्रेजेंटेशन बनानी है और एक रिपोर्ट बनाना है। रिपोर्ट भी आपको मेरी चैनल में आपको मिल जाएंगी, काफ़ी एग्जाम्पल के हमने बनाए, और आपको पावर प्रेजेंटेशन भी आपको मिल जाएगा। प्रेजेंटेड बाय एक्स वाई जेड, यानी कि जो स्टूडेंट प्रेजेंट कर रहा है उसका नाम आएगा, स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर आएगा इधर, अंडर सुपरविज़न ऑफ, यानी कि इधर आपकी जो फैकल्टी टीचर जो आपको सुपरविज़न के बारे में, यानी कि आपको जो पढ़ाती है वो आपको टीचिंग करती है, उस फैकल्टी का नाम आएगा। इंस्टीट्यूट नेम आएगा जो फुल एज़ पर GTU, यानी कि आपका इंस्टीट्यूट का फुल नेम आएगा जो एज़ पर GTU में रजिस्टर है वो। उसके बाद कंटेंट और इंडेक्स की बात करें तो फर्स्ट आपको मेडिकल स्टोर में जो आपने 150 घंटे जो ट्रेनिंग ली है, 150 आवर्स, उसका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आएगा। पर्पज़ ऑफ ट्रेनिंग, आपने किस पर्पज़ पे ट्रेनिंग ली है उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देना है। उसके बाद इंट्रोडक्शन आएगा, ट्रेनिंग का इंट्रोडक्शन। अरेंजमेंट ऑफ फार्मेसी, यानी कि आपके मेडिकल स्टोर में किस तरह से ड्रग की अरेंजमेंट की गई है उसके बारे में थोड़ा लिखना है। सॉफ्टवेयर एंड बिलिंग सिस्टम, आपने कौन से सॉफ्टवेयर और बिलिंग सिस्टम यूज़ की कर रहे हो अपने मेडिकल स्टोर में, आप जिस मेडिकल स्टोर में जा रहे थे वहाँ पे इसका पूरा डिटेल स्मॉल, यानी कि 1 PPT स्लाइड में आपको डिटेल में लिखना है। वर्क फ्लो इन फार्मेसी, यानी कि वो हम बाद में देखेंगे। यूज़ ऑफ ड्रग एंड कंक्लूजन। सर्टिफिकेट, इधर आपको 150 आवर का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो आपने जिस फार्मेसी स्टोर में जाके लिया है उसको डालना होगा। इंट्रोडक्शन की हम बात करेंगे तो फार्मेसी के बारे में इंट्रोडक्शन करना है आपको। कम्युनिकेशन, रिटेल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी के बारे में भी आपको डेफिनेशन लिखनी है। इधर आपने जिस फार्मेसी स्टोर में ट्रेनिंग की है उस फार्मासिस्ट का नाम इधर जो ब्लैंक है उसमें लिखना है। लिस्ट ऑफ कंपनीज़, आप कौन सी कंपनीज़ की मेडिसिन अपने फार्मेसी स्टोर में सेल करते हैं उसके बारे में लिखना है। कैडिला हेल्थ केयर, ल्यूपिन, सर्न, अबोट, सिप्ला, टोरेंट, इस तरह से। अरेंजमेंट ऑफ फार्मेसी, आपकी फार्मेसी स्टोर किस तरह से अरेंजमेंट है, किस साइड पे रैंक, वॉशरूम, रैंक, रेफ्रिजरेटर, टेबल, कंप्यूटर, काउंटर, डिस्प्ले, चेयर, इस तरह से आपको लिखना है। द ड्रग स्टोर अरेंजमेंट आर नियरली सेम एज आई मेंशन इन लेआउट, इस तरह से लेआउट जो आपने डिस्प्ले किया है इस तरह से सेम एज है, ऐसा आपको बनाना है, और स्टैंडर्ड लेआउट भी आप डाल सकते हो। अरेंजमेंट ऑफ फार्मेसी की हम बात करेंगे तो इस तरह से देख सकते हो। थोड़ा कंटेंट आपको डाल देना है, इसमें से भी आप कॉपी कर सकते हो, ChatGPT भी कर सकते हो, और दूसरे काफ़ी भी प्रेजेंटेशन अवेलेबल है ऑनलाइन, उसमें से भी आप ले सकते हो। सॉफ्टवेयर एंड बिलिंग की बात करेंगे तो बिलिंग हम कंप्यूटराइज बिलिंग करते इस तरह से, मैं जिसमें जा रहा था वहाँ पे कंप्यूटराइज बिलिंग करते। सॉफ्टवेयर की बात करें तो विजुअल सॉफ्टवेयर नाम का एक सॉफ्टवेयर है वो यूज़ करते फॉर बिलिंग, ये काफ़ी आसान, मोस्ट ऑफ मेडिकल स्टॉल वाले विजुअल सॉफ्टवेयर ही यूज़ करते होंगे। ऑल सेल आर रिकॉर्डेड स्टोर्ड इन द सॉफ्टवेयर, जो विजुअल सॉफ्टवेयर करके एक सॉफ्टवेयर है उसमें ऑल अपना स्टॉक है जो वो रिकॉर्ड होता है। वर्क फ्लो इन फार्मेसी, कलेक्शन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, जब पेशेंट आता है तब हमें प्रिस्क्रिप्शन कलेक्ट करना है। पिकिंग ऑफ मेडिसिन, हमारे जो फार्मेसी स्टोर में अलग अलग जगह पे जो मेडिसिन रखी है उसे लेनी है, पिकिंग करनी है। डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन, जनरेटेड कंप्यूटराइज बिल, आपको कंप्यूटराइज बिल जनरेट करना है, और पेमेंट ऑफ बिल, इस तरह से वर्क फ्लो इन फार्मेसी आएगा। उसके बाद हम देखेंगे तो कॉमन यूज़ ऑफ ड्रग, आपको इस सारे ड्रग का नॉलेज होना चाहिए, डायरिया में कौन सी ड्रग यूज़ की जाती है, पेप्टिक अल्सर में कौन सी ड्रग यूज़ की जाती है, हाइपरटेंशन में कौन सी ड्रग यूज़ की जाती है अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन। और आप जब मेडिकल स्टोर में ट्रेनिंग लेने जाओगे तो आपको नॉर्मल ड्रग तो यूज़ याद रिमेंबर हो जाएगा। लर्निंग आउटकम आपको लिखना है, हमने फार्मेसी स्टोर में जाके क्या क्या
हमने लर्निंग किया क्या क्या हमारे में चेंजेस आए, इस तरह से पेशेंट काउंसलिंग, प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग, इस तरह से आपको आपने जो जो अंडरस्टैंडिंग की है आपका रिव्यू लिखना है इसमें लर्निंग आउटकम में। कंक्लूजन में हम बात करेंगे तो आपने कौन सी डेट में ट्रेनिंग ली थी 150 घंटे की, और अकॉर्डिंग टू आप लिख सकते हो आगे की स्लाइड में जो आपने लिखा है उसके हिसाब से वन वन पॉइंट लिख लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।